महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा दिवाली गिफ्ट। वैक्सीन की एक डोज लेने वालों को भी हर जगह आने जाने की अनुमति मिल सकती है। जल्द उद्धव ठाकरे सरकार लेगी फैसला। महाराष्ट्र में देश से बीजेपी नाम के संकट को दूर करना है। ईंधन की बढ़ती दरों और महंगाई को लेकर शरद पवार ने मोदी सरकार पर किया जोरदार हमला। खुशखबरी, मुंबई की सभी लोकल ट्रेनें अब एसी लोकल होगी, किराया भी घटेगा। महाराष्ट्र सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला। बिहार की जेल में बंद इन दो ड्रग तस्करों से पूछताछ करेगी एनसीबी। नेपाल और टारजन गैंग तक जुड़े हैं तार, आरएन ड्रग्स केस। महाराष्ट्र में नाबालिग से रेप के मामले में एक लड़के समेत दो लड़कियां भी आरोपी, दोस्त को बचाने के लिए पीड़िता को धमका रही थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भयंकर सड़क दुर्घटना, 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, 3 की मौत और 1 जख्मी। कश्मीर के हालात पर संजय राउत बोले, पाकिस्तान को कोरी धमकी से काम नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। साकिब अल हसन ने रचा इतिहास, टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने गेंदबाज, बांग्लादेश के हैं खिलाड़ी। यूपी के बस्ती में माइक पर अजान दी तो इमाम पर हमला, गांव में तैनात हुई पुलिस। देश में कोरोना के मामले 13,596 नए मामले आए सामने, वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 221 दिनों में सबसे कम। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से पूजा पंडालों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। किसान के आंदोलन से पंजाब और हरियाणा में ट्रेनों की बनी रेल, जहां तहां हुई खड़ी, हजारों यात्री परेशान, रेल रोको आंदोलन। बिटकॉइन में आया उछाल, $62,000 के पार पहुंची कीमत। देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं, राज्यों के स्टॉक में अब तक 10 करोड़ टीके। WHO दे सकता है कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी। जल्द 26 अक्टूबर को तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक करने जा रहा है।